पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है। इसका वैक्सीन बनाए जाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर रूस से आई थी कि वैक्सीन तैयार हो गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन से भी एक उम्मीद की किरण जगी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन का बंदरों पर परीक्षण किया गया था जो कि सफल रहा है, और ये सामने आया है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद बंदरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है और उनमें इस वायरस का प्रभाव कम देखा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन बंदरों को कोविड-19 से होने वाली घातक निमोनिया से बचाने में सफल रहा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद फेफड़ों में सूजन आ जाती है और एक प्रकार का द्रव्य फेफड़ों में भर जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन तैयार किया जिसका बंदरों पर सफल परीक्षण रहा। इस वैक्सीन को चैडॉक्स एनकॉव 19 चिंपैंजी में मिलने वाले एक कमज़ोर वायरस से बनाया गया है। इस वायरस से सामान्य सर्दी जुकाम होता है और ये बंदरों को कोरोना वायरस की चपेट में लाए जाने के 28 दिन पहले दिया गया, जिससे फेफड़ों को नुकसान होने से बचाया गया और वायरस की मात्रा में भी कमी देखी गई। बाद में इन बंदरों को बूस्टर डोज दिया गया जिससे प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी देखी गई। अब तक सामने आ रहे नतीजों को देखकर शोधकर्ताओं का कहना है कि ये टीका भले ही संक्रमण या उसके प्रसार को जानलेवा नहीं बनने देगा लेकिन ये बीमारी को जानलेवा नहीं बनने देगा जिससे लोगों की मौत होने से बचाई जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण चल रहा है। इसके लिए वॉलंटियर्स की भर्ती भी की गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से इस वैक्सीन ने बंदरों पर काम किया है उसी तरह के नतीजे इंसानों पर भी निकल कर सामने आएंगे। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।